पछताता है। क्यों? कि भगवान कहीं करे रे कहीं नहीं करे ई बात को ठा पड़े को नहीं। एक राजा शिकार खेलवा वास्ते जातो तो कभी एक हलकारा नशा के लेर जातो रोजीना। वो हलकारा को कहीं काम हो गए राजा शिकार कर ले तो हो गए मीन खुआ पर मेल और श्याम तनी पोग जा तो गडम अतो ही काम हो। अब राजा घोड़ा पर चाल तो पण भी हलकारा को एक नेम हो कि कोई भी काम चाहे माड़ो जाए चाहे चोख हो जाए वो हलकारो एक ही बात कहते तो कि भगवान करे जखी बढ़िया करे। जो भी करे ना भगवान बढ़िया ही करे माड़ी कदे भगवान करे ही को नहीं। क्यों? एको नाम सचितानंद है हर टेमानंद पर वो अपन बुरो लगे कि भाई वो गलत हो गलत को नहीं है वो सब सही हुए जो भी हुए जो बढ़िया हुए वो कदे ही भगवान ने ओड़ मुकंदे। तो एक दिन राजा घोड़े सवार हो रियो अरे घोड़ा पर जो की काठी मंडा ने जीन भी की पाती निकले ही अरे भी पाती की लाग राजा की आंगली कटकी। राजा हलकारिया ने कह भी नौकर ने रे यार हलकारिया आंगली कटकी। हलकारियो आंसर कह बोलो बहुत बढ़िया काम ही है। बोले आओ बहुत बढ़िया काम ही है राजा तारी आंगली कटवाड़ो। राजा भगवान करे जगी बढ़िया करे। अब राजा जोगी अग्नि जड़ा रही उल्टी रीत डरता रही जो ऊपर सुरा में थोड़ी पड़िया करे प्रीत देश का धनी की आंगली कटकी। हलकारियो आ बात की के बढ़िया काम ही है। राजा ने क्रोध आयो बुलाए नौकरा ने बोले इन्हें काठ में दे दियो। काठ जानो गए लकड़ी को काट तो बीच में कोचरो तो दुनिमंड बोल्ट के छेड़ा होता पक्के मायने गाल पैंकड़ो और तावड़ा में गिर देता काट में। अरे श्याम का बोले इन्हें फांसी देनी है। राजा फांसी को हुक्म दे दियो। अब भी हलकारियां जी फांसी को हुक्म दियो हलकारियो और हंसियो। राजा बहुत बढ़िया काम हुए आज देख भगवान मार का नहीं निंगे करी है अरे श्याम का मन फांसी लाग सी मैं भगवान के कन्ने जश्न। राजा मन में विचार करो देख तेरा भलाओ जाए फांसी में कुंड रहे बीटे में हंस रहे कोई बात को राजा रोजिना तो बिन शाके लेट जातो शिकार खेलवा जातो आज राजा एक लोई गयो है शिकार तो हाथ आई को नहीं। घनघोर जंगल के मायने प्रवेश कर गयो राजा ने प्यास लागी पानी की तलाश के माय राजा और आगे चल गयो आगे बिलंग को राजा आएगो। अब राजा गन तो प्रजा को और सेना को जोर हुए एक लम कहीं वैसे वो बिलंग को राजा कहीं आपका सैनिकान आदेश दियो कि दूसरी रियासत को कोई आदमी पकड़ लियाओ देवी के बलील देशिया और देवी ने प्रसन्न कर श्या बिलाना सैनिक राजा ने पकड़ लेगा ले यार नुहाए धुआए तैयार करो बिलांगो राजा पूछवा लगे बोलो लिया है बोलो लिया है बोलो चेक कर लीजिए कोई खंडित नहीं हुआ देवता के खंडित चीज कौन सा है। अब राजा ने चेक करो ना राजा की तो आंगली कटेड़ी भाई बिलाना सैनिक बोले साहब की तो आंगली कटेड़ी है टप्पे टप्पे खून पड़े बोलो छोड़ दो अपने काम को करने दूसरों लियाओ। जना राजा ने होश आयो तेरा भला हो जा हलकारियो को जी बात तो जोर की भगवान करे जी जोर की करे जी आंगली आज नहीं कटेड़ो तो अपनी नाड़ कटती। राजा चढ़ो घोड़े रे भी हलकारिया ने फांसी लागसी बिन बचावा। राजा आयो घोड़े सवार होकर भागेड़ो जी टेम हलकारिया ने फांसी दे रिया काल तो कपड़ो हटा दियो आतरो राजा हेला पड़ा रे उतारो उतारो फांसी मत दियो हलकारिया ने फांसी मत दियो उतारो नीचे सारी वार्ता बताई बोले यहां मानी बिलांगा राज में चले गयो बेलमन पकड़ लेगा देवी के बलि देवा ने वो बिलांगो राजा बोलो भाई चेक कर लीजियो कटो खांडो तो कोनी एडो है आ माड़ी आंगली कटेड़ी हलकारिया आज आज आंगली नहीं कटेड़ी तो नाड़ कटती बचगा जा हलकारियो के देख ले राजा तू रोजी ना लीजिया जे मन आज सागे ले जा तो मैं सारो साप तो बली मारी लागती। तो भगवान ने बचाना वेग जना देखो बिन काठ में दिराएगो राजा एक लोई गयो तो ईश्वर की लीला ने कोई समझ नहीं पावे दुखी उसके के देखो मन काठ में दे दियो तावड़ा में पड़े भगवान में कहीं बुरो करियो बुरो को नहीं करियो तारे लिए कुछ अच्छे हो रही है इसलिए भगवान बुरो करे। जो बंदा ज्यादा ध्याता उस नर को तू ज्यादा तराता जो बंदा स्तर रह जाता फिर कही की बिचारी नहीं बिगाड़ी बिना तू नहीं कही की नहीं सुधारी भगवान पहली बिगाड़े फेर बनावे। शिल्पी लेके हाथ हथौड़ा मार मार पत्थर को तोड़ा फिर एक एक को जोड़ा फिर बना देता है महल अटारी
बिगाड़े बिना तूने कहे कि नहीं सुधारी। अब कहवे राजा वे तो कहवे आपका सासरा का कांकड़ पर पूग जावे चंपापुर नगर में, बैठांगा कीर मछलियां पकड़वा वास्ते भैंसा चरा वाला कीर वे ने बे जाल के रखियो नदी में, राजा भी जाल में उलझ गो रात्यू जाल के उल्टे बैठे रहियो नशा में जबड़ गया लागे। सुबह की टेम ही राजा चंद को साड़ो राजा धूम्रपाल भी नदी में स्नान करवा वास्ते आया कर, तो भगवान से कत्ता ही फोड़ा पटके ठीडे ठीडे लगाया करे। राजा धूम्रपाल ने गंगा को रूप धारण करके केबा लागया, बोलो राजा तेरो निपुत्रापणू मिटा दू, राजा धूम्रपाल के भी कोई संतान ही कोनी। हाथ जोड़कर राजा धूम्रपाल केबा लागियो जगत तारणी गंगा हो आप निपुत्रापणू मिटाओ तो क्यों नहीं मिटे हे मां। तो बोलो तू गंगा के किनारे किनारे चाल, तन एक नहीं दो पुत्र सागे पालना में सुता प्रदान करशु। राजा धूम्रपाल गंगा के किनारे किनारे चालियो तो कहे शायर नीर को पालनू मुंडा मंगूठा ले रखा दूध तो घटू आवो, रखे घोड़ा का हाना पर राज दरबार में लियावे, मोटा मोटा विद्वान पंडिता ने बुलाकर बच्चा को नाव निकलवायो, एक को गंगेश्वर दूसरा को राजकुमार। शायर नीर नांदेराम आपका मामा के घर पड़ रहा है। अब्बा रानी मलियागरी बाट निहार रही आपका पति की, दिन की उगाड़ी हुई चांदनु यो ई तीरु बी तीर्तनी दिखियो क्यों ही नहीं है। तो मन में अणे सो करियो कि आपनो पति तो अपना टाबरा समेत ही नदी में बेगो तो तेज बवाव है। तो रानी मलियागरी अणे सो करके भी गंगा ने कहबा लागी, हे विधाता बावड़ी मेरे तकदीर में क्या लिख गई, पहले मेरा घर छुटवाया अब निपूती तू करी, मेरे प्राण पति को बहा ले गई, गंगा तू बेरण भई सुध बुध भूल बेहोश हो के रानी बन की ओर सुरता। पहली तो कहे रानी भी नदी में डूबर मरवा को मतो करो, पर प्रेमी सजनों आत्महत्या करनो भी सतहार वो है। आदमी आत्महत्या करे ने बस सतहार वो है। घनघोर जंगल की ओर रवाना हो जावे, चालता चालता कहे धौलपुर नगर का कांकड़ पर पुग जावे, बटे खुमारा को खनेड़ो हो। मन में विचार करो आज की रात आपा अठही बीताश्या, और अठीनू राजा चंद ने कहे धौल चंपापुर नगर का बेकीर नदी मुँह निकाले पूछनो करो भाई तू कौन काई है। तो राजा चंद मन में विचार करो जी आप यहाँ कह दियो ना मैं लोहनगढ़ को राजा हूं, तो ए कीर अपन को खेला अपन अपना बारह बरस बिताना है। राजा चंद बोलो भाई धरती आकाश छोड़ियो और धरती झेलियो को नहीं, थाका भैंसा तराशू दो टेम को कलियो मन भी दीजो। तो कहे बिकाई सासरा का कीर भैंसा चरावा वास्ते राजा चंद ने राख्यो। अब अठीनू रानी मलियागरी धौलपुर नगर का भी खनेड़ा के माई उबी उबी आधी रात का समय में जद आंचल आ फरियो, माँ के कहवे बेटो भूखो जाए ने तो कहवे पेनू आ जाए, तो रुदन मचायो रोती रोती कहवा लागी भगवान ने रानी मलियागरी। रानी मलियागरी रुदन मचावे और कहवा लागी भगवान के, हे भगवान मेरे राजपाट को बिल्कुल सोच को नहीं, क्यों के माड़े घर तू आयो, राजपाट का मेरे सोच नहीं है रे, राजी हो भगवान लियो, पर शायर नीर बिछटता मेरो आज खड़े जो बैठ गयो, क्योंकि माँ की ममता वे मेरी छाती भरे है आप रे है आंचल, अरे मेरो नैन जुरे रोवे है हियो, अरे राजा चंद की मैं हूं मलियागरी आज बन में करती फिरू हूं पियो पियो, मेरे पति पुत्र की आग लाग की चुभगी है जैसे सेल की अणी, अरे शायर नीरी बिलकता छोड़ दिया मैं सागे सिर को श्याम धणी, तू त्रिलो की नाथ सांवरा जन्म में छांट दिखाता है, उल्टी गत है गोविंद धणी की राजा चंद पछताता। रुदन मचाता मचाता भाग फाट्याई, धौलपुर नगर को खुमार आपका घोड़ा लेकर
भी खनेड़ा माटी लेवा वास्ते आयो। आगे रानी मलियागरी खड़ी दिखी, कुमार मन में विचार करो रे आज तानी तो कन्नू ही सुना कि डाकन शहरियां भूत पलीत हुए है, पर आज वा कन्नू सुनेड़ती आख्या दिखाई, पर कुमार की भी सुनेड़ी कि भूत पलीता का वासा आदि पहली पहली वह सुहा बारह बजे तनी। अब तो प्रभात को टेम है, ब्रह्म मुहूर्त हो गयो, देवता का वासा होगा, क्यों देवता जोर लगा सिर क्यों फटकारो आपा देशा काट लिया ना कहो एक लो तो खाली तो कहीं चल लंगरा। कुमार कर करी छाती रखे वाला गयो, भाई तू भूत पलीत है, ढाकण सारी है थारे वैद्य सी कर सके है, अगर इंसान को रूप है तो थारे मैं थारे धर्म को भाई हूं, सत्यता को जमानो हो और धर्म का भाई को नाम लियो। तो रानी मलियागरी बिना कुछ सोचे प्रेम सहित कुमार के पास में आवे। कुमार पूछ नु करो भाई तू कौन का ही है, भाई बात मलियागरी की मन में विचार करो कि भाई बारह वर्ष काटना है, बोलो आकाश छोड़िए धरती जेली को नहीं बिरा, उसी जैसे हो तारा घर में प्रेम सहित काम कर सू और दो ही टेम को कले में भी कटाई। कुमार धर्म की भाण बना करके वे रानी मलियागरी ने आपके घर लिया वे। अब देखो भगवान तीनों ने ठीठे ठीठे लगा दिया। कई दिन व्यतीत हुआ तो कहे राजा धूम्रपाल के एक धर्म को भाई हो भौम सिंह नाम कण बिणजारो लखी बिणजारो राजावा के उपलो राजा भी को टांडो घूमतो घूमतो धौलपुर नगर में पुग्यो और बिणजारी की तबीयत खराब ही सारो डांडो रोक दियो। भौम सिंह कहवा लाग्यो कि अपना तंबू के माए रोटी रसोई को काम करवा वास्ते मैं गांव में जाऊं और कोई ने ले रहूं तो ले रथ और धौलपुर नगर का पनघट प्रजार खड़े हो गयो।